अलवर में जल जीवन मिशन में हो रही नियमों की अनदेखी को लेकर पिछले दिनों एवन टीवी ने खुलासा किया है। इस खबर के बाद अलवर जिला प्रशासन जागा है। मामले में एसीएस सुधांशु पंत ने संज्ञान लेते हुए मिशन के सीईओ आरके मीना को जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। इसे अधिकारियों की मिलीभगत कहें या फिर अनदेखी, अलवर जिले के ब्लॉकों में इस मिशन के तहत काम भी शुरू हो गया है। केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन अलवर में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। इसे लेकर एवन टीवी ने इस अनियमितता और धांधली का बड़ा खुलासा किया था। जिला मुख्यालय ने अभी तक भी अलवर के लिए आईएसए का चयन नहीं किया है। इस एजेंसी के बिना वीडब्ल्यूएससी यानी ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन कैसे हुआ? इस एजेंसी के बिना वीडब्ल्यूएससी यानी ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन कैसे हुआ? इसका अनुमोदन किस ग्राम सभा से करवाया गया और इसके सदस्यों को प्रशिक्षण किसने दिया? यह बड़ा सवाल बना हुआ है। इसके अलावा अधिकारियों ने ठेकेदारों के साथ मिलकर जो स्कीम बनाई है वह ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के बगैर कैसे बनी? जल जीवन मिशन के नियमों की बात करें तो आईएसए के बिना कार्य शुरू नहीं हो सकते, जबकि अलवर में 817 काम स्वीकृत हो चुके हैं। 170 गांव में ठेकेदार धड़ाधड़ काम कर रहे हैं। इस मामले में आप खुद ही सुने विभाग के एडिशनल चीफ आदित्य शर्मा किस तरह इन नियमों को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। का हो गया क्या गठन? अलवर में भी आईएसए का गठन अभी नहीं हुआ, इसकी प्रक्रिया चल रही है। सर, जेजेएम में सर नियम है कि बिना आईएसए के गठन के बिना वीडब्ल्यूएससी का गठन नहीं हो सकता, अलवर में कैसे हो गया? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। जो उनके कार्य है उसके हमारे अधिकारी हमारे कर्मचारी इस कार्य को संपादित करते हैं। इसमें जो मेंबर्स बनाए जाते हैं वो मेंबर्स फिक्स है और उन लोगों से चर्चा भी करते हैं कि वो पानी की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं और उनसे सहयोग लेके उनके गांव में कहां पर ट्यूबवेल्स बनने चाहिए इन सब के बारे में भी चर्चा करके वो करते हैं। तो आईएसए का जो काम है बेसिकली अभी हमारे इंजीनियर्स कर रहे हैं। जब इसे गठन हो जाएगा उसके बाद हमें इसमें और सहयोग प्रदान। सर, वीडब्ल्यूएससी का आपने कौन सी ग्राम सभा से अनुमोदन करवाया? वीडब्ल्यूएससी का अभी हमने गठन किया है क्योंकि इसके मेंबर फिक्स है और ग्राम सभा के अंदर इसमें अनुमोदन की जो प्रक्रिया है वो ग्राम सभा में पूरी की जाएगी। बाकी इसके मेंबर फिक्स है कौन कौन। ये वीडब्ल्यूएससी के सदस्यों को प्रशिक्षण किसने दिया? वीडब्ल्यूएससी के सदस्यों को जो प्रशिक्षण है वो हम ही देते हैं। हमारे आईएएस वहाँ पे जाते हैं, हमारे जेएएस वहाँ पे जाते हैं, इवन हमारे एसीएस भी वहाँ पे विजिट करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं और उनसे पानी की स्थिति के बारे में उनके गांव की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं और वो इनका प्रशिक्षण है। पानी बचत के लिए भी हम उनसे लगातार कहते हैं कि आने वाले वक्त में आनी प्रशिक्षित कम्युनिटी होगी, आप लोग प्लीज इसको बचाइए, वेस्ट मत कीजिए। इधर एवन टीवी के खुलासे के बाद मामला एसीएस सुधांशु पंत तक पहुंचा और उन्होंने जांच के आदेश दिए। इन आदेशों के बाद अलवर जलदाय विभाग के अधिकारियों से रिपोर्ट भी मांगी गई है। हाँ, इसके बारे में उन्होंने जो जानकारी मांगी थी कि आपके आईएसए की क्या पोजीशन है, तो हमने जानकारी उनको प्रदान कर दी कि अभी हमारे आईएसए का गठन नहीं हुआ, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया जो वहाँ पे जयपुर हेड ऑफिस है कि जल्दी आपका गठन कर दिया जाए। कुल मिलाकर आला अधिकारियों के जागने और मामले में संज्ञान लेने के बाद होने वाली जांच में जल जीवन मिशन की अनदेखी और भ्रष्टाचार से पर्दा उठने की संभावना तो है, लेकिन यह देखना होगा कि जांच कब पूरी होगी और अनियमितता करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। एवन टीवी के लिए अलवर से चंद्रशेखर शर्मा की रिपोर्ट।